हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, आज थोड़ा सा सिस्टम हमने चेंज किया है, इस मोड पे भी पढ़ करके देखते हैं। आपको उम्मीद है कि अफेक्टिव लगेगा, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं कि अफेक्टिव रहा कि नहीं रहा। चलिए, एक्सरसाइज 13.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 13.3 एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस सेशन के सिलेबस की बात करूं 2020-21 में, तो कोविड-19 के चलते जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसमें ये जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस में नहीं है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं, तो इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक के अलावा भी दो तीन टॉपिक पे क्वेश्चंस और हैं, तो एक्सरसाइज ये आपको करनी ही है, राइट? और ये कंसेप्ट भी सीख लें, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे भी यूज होगा और पीछे जो एक्सरसाइज गई उसमें भी हमने इस कंसेप्ट को यूज किया था। तो कुल मिलाकर के आप इस एक्सरसाइज को करें, 13.3 एक्सरसाइज को। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, तो किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट 13.1 में, 13.1 स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सीखा था। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा एम वैक्टर है। यहां पर मैंने a1 प्लस लैम्डा m वेक्टर को मैंने b1 वेक्टर नाम दे दिया। तो पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। आप सब समझ सकते हो, a1 वेक्टर का मतलब इस स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट इसमें आएंगे, और b1 वेक्टर का मतलब हो गया कि जो पहली स्ट्रेट लाइन है उसके पहली स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो R2 है इसमें A2 वेक्टर का मतलब है पहली स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट्स, और B2 वेक्टर का मतलब है इस दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि जो लैम्डा के साथ होगा उसमें उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। अगर मुझे ऐसी किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालना हो, तो फॉर्मूला ये रहा, कोस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब जिनमें डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। ये हम देख सकते हैं, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, x-x1 अपॉन a1, y-y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z-z1 अपॉन c1, ये पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और अब हमें इन दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा, ये फॉर्मूला आप फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। ऊपर डॉट प्रोडक्ट, किनका डॉट प्रोडक्ट? इनके डायरेक्शन रेशियोज का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट a1 square प्लस b1 square प्लस c1 square, अंडर रूट a2 square प्लस b2 square प्लस c2 square। आप ये सारे फॉर्मूले मेरे साथ साथ जब आप लेक्चर देखते रहें तो सब आप नोट करते रहें, की नोट्स बनाएं, की पॉइंट्स बनाएं, और सब फिर नोटबुक में लिखते रहें। अब मैं यहां पर दो कंडीशन ले रहा हूं, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, If L1 is perpendicular to L2, then क्या होगा? B1 dot B2 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि cos theta फॉर्मूला है B1 dot B2, और नीचे B1 मैग्नीट्यूड और B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो थीटा, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा होगा 90। थीटा 90 होगा तो यहां पर cos 90 बनेगा B1 dot B2, और नीचे B1 का मैग्नीट्यूड और B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस हिसाब से cos 90 जीरो, B1 dot B2, और नीचे B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, तो ये यहां करके जीरो, तो इसका मतलब B1 dot B2 जीरो आएगा।
ठीक है, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हुआ, थीटा 90 हुआ तो इस फॉर्मूले में जब आप थीटा 90 रखेंगे तो कोस 90 जीरो, बी वन डॉट बी टू जीरो रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, आ गया होगा कि कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच एंगल 90 होगा और एंगल 90 होने पर उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब बी वन डॉट बी टू ये जीरो आएगा। और अगर मैं बात करूं कार्टेशियन फॉर्म में तो कार्टेशियन फॉर्म में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ऊपर कोस थीटा के फॉर्मूले में ऊपर था ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। आप समझने की कोशिश करें, ये मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो, फिसलन सी होती इस पे। तो कोस थीटा का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म में वो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और नीचे इनके मैग्नीट्यूड ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर प्लस सी वन स्केयर ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर प्लस सी टू स्केयर। थीटा अगर 90 होगा तो कोस 90 जीरो, ये यहाँ पे आकर के सब जीरो, तो सीधा सीधी सी बात है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, मतलब एक लाइन हमारे पास ए बी, इस ए बी लाइन का इस पॉइंट पी से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ कितनी होगी। तो लेट अस सपोज ये जो ए बी लाइन है इस ए बी लाइन की इक्वेशन दी गई है आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर। तो यहां से जो ये पी क्यू डिस्टेंस होगा, ये जो पी क्यू लेंथ होगी, इसका फॉर्मूला होगा पी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। अब पी वैक्टर किससे बनेगा, जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर होगा वो पी वैक्टर है, इसमें से माइनस करेंगे हम ए वैक्टर। ए वैक्टर मतलब उस स्ट्रेट लाइन में जो उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट है उससे बनने वाला वेक्टर। तो P माइनस A वेक्टर, उसका क्रॉस करेंगे इस B वेक्टर के साथ और उस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और नीचे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला मिलेगा अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन का अगर किसी दिए गए पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, दिस डिस्टेंस। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा, आप सब बच्चे नोट करते चलें। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, एक तो हमने जाना एंगल्स के बारे में, एक हमने जाना किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज में फुट और इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, वो अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें बताएंगे। चलिए एक्सरसाइज 13.3 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने 5 पार्ट्स हैं और सभी में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा, ये दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कोस थीटा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन कितना होगा, बी वन डॉट बी टू और नीचे रहेगा बी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड और बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। सो कोस थीटा इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू कीजिए, देखिए ये ए वन है लैम्डा के साथ, ये बी वन है, ये ए टू है म्यू के साथ, ये बी टू है। तो ऊपर बी वन डॉट बी टू मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, ये बी वन है ये बी टू है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये बी वन हो गया ये बी टू हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें कितना आएगा, टू टू प्लस एट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और प्लस एट, नीचे बी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड इसका कीजिए 1 4 4 9 9 का रूट आ गया 3, इसका मैग्नीट्यूड कीजिए 4 16 16, ये आ गया 36 का रूट आ गया 6। तो ये बन गया ऊपर 18 नीचे 18, 18 से 18 कैंसिल 1,
सो कोस थीटा इज इक्वल टू वन, अगर कोस थीटा वन है तो आप सब जानते हैं थीटा जीरो डिग्री है, क्योंकि कोस जीरो ही वन होता है। तो आप समझ गए इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो जीरो है, आई मीन ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं। और आप देख भी पा रहे हो कि ये पैरेलल क्यों है। अब देखिए यहां जो आई कैप, जे कैप और के कैप के स्केलर कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। इस लैम्डा के साथ जो वेक्टर है और जो म्यू के साथ वेक्टर है, ये इस जो म्यू के साथ वेक्टर है वो लैम्डा का टू टाइम्स है। तो अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। एक पीछे मैं इसमें आपको ये बताना भूल गया, परपेंडिकुलर तो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, इस क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था, इसके बाद मैं आपको यहां पर लिंक करता कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो तो वहां पर उनके जो स्केलर कंपोनेंट है ए वन बाई ए टू वो इक्वल होगा बी वन बाई बी टू के और इक्वल होगा सी वन बाई सी टू के। तो ये भी आप नोट कर लें कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्केलर कंपोनेंट के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। ये हम पहले भी 13.1 एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, इजीली हम इन दो के बीच एंगल फाइंड आउट करना हमने सीखा। इसी में और हम क्वेश्चंस लेते हैं। अगर मैं बात करूं, चलिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं जिसमें कि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है। एक्स माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन फाइव। और एक दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वन अपॉन फोर वाई प्लस वन अपॉन माइनस थ्री एंड जेड प्लस टेन अपॉन फाइव। अब हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए। यहां इस पहली स्ट्रेट लाइन में जो b1 वेक्टर होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियो से बनेगा। आप चाहे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पढ़ें, इसके बाद आएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पढ़ें, या एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन पढ़े। जब भी कभी किसी किन्हीं भी दो प्लेन, किन्हीं भी दो लाइन या एक लाइन एक प्लेन के बीच एंगल निकाला जाएगा तो एंगल निकालने के लिए उनके डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है। हमेशा एंगल फाइंड आउट करने के लिए उनके डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है। तो आप देखिए पहली लाइन में डायरेक्शन रेशियो कौन है, जो नीचे वाले हैं। बी वन वैक्टर बनेगा थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन ए वन बी वन सी वन। तो ये ए वन बी वन सी वन से जो बनेगा वो बी वन वैक्टर है, आई मीन इस पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो। ऐसे दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए, फोर आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के। लेकिन ये देखने से पहले ये आप जरूर इंश्योर कर लें कि ऊपर एक्स वाई जेड, ऊपर जो एक्स वाई जेड है इनके कोफिशियंट्स वन ही होने चाहिए, मतलब इनके कोफिशियंट में कोई और नहीं आना चाहिए वन के अलावा। अब हम जो इस पे फॉर्मूला लगाएंगे कोस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये आएगा 12 माइनस 12 प्लस 25 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 9 16 25। तो 9 16 25 अंडर रूट 50 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 50। और यहां पर 16 9 25 ये भी अंडर रूट 50 हो गया, 12 से 12 कैंसिल। सो कोस थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 50, ये कैंसिल 1 बाई 2, थीटा आएगा कोस इनवर्स 1 बाई 2 और कोस की वैल्यू 1 बाई 2 पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री पे होती है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल आया फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, एंगल आ गया पाई बाई 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप कर सकते हो
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई दो स्ट्रेट लाइन दी गई है और उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये दिए गए हैं, उनके बीच एंगल फाइंड आउट करना आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो बहुत आसान है कि कोई दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, आपको उन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। आप अपनी बुक लेकर के बैठे, प्रूव करना है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये जीरो दिखा दें। और आपको मालूम है A1 B1 C1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं ये वाले, और A2 B2 C2 ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो थर्ड तक आप इजीली कर सकते हैं, फिर भी अगर कोई आपकी डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लें। क्वेश्चन नंबर फोर में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आने से पहले क्वेश्चन नंबर फोर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा के साथ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये किसी स्ट्रेट लाइन AB स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और यहां कोई पॉइंट है -125। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस AB लाइन की लेंथ निकालनी है, मतलब मुझे ये PQ लेंथ निकालनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो ये PQ लेंथ आएगी इसका फॉर्मूला होगा P-A वेक्टर, इसका क्रॉस करेंगे B के साथ उसका मैग्नीट्यूड और नीचे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो P वेक्टर बनेगा वो जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। और A वेक्टर आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन का जो ये पासिंग पॉइंट है 3i प्लस 4j माइनस 5k, और B वेक्टर भी आपको मालूम है जो लैम्डा के साथ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब आप इजीली कर सकते हैं, पहले P-A निकालिए, P में से A को माइनस कर दीजिए, ये आएगा -4i कैप। इस P वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस कर दीजिए, P वेक्टर में से इस A वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये आएगा -4i कैप -2j कैप और +10k कैप यहां से P-A। अब P-A वेक्टर का हम क्रॉस करेंगे B वेक्टर के साथ, आई थिंक आप वो कर सकते हैं। ऊपर P-A तो पहले आएगा IJK, फिर P-A के कंपोनेंट -4 -2 10, फिर B वेक्टर के कंपोनेंट जो है 2 -3, ये यहां रहा 2 -3 6 2 -3 6। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, फिर ऊपर इसका मैग्नीट्यूड रहेगा और नीचे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दीजिए। आप ये फॉर्मूला लगाइए, सब चीजें आपके पास है, ठीक है। ये आप किसी पॉइंट का उस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकाल पाएंगे, P-A क्रॉस B और नीचे B का मैग्नीट्यूड। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही, जो अभी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है। ये जरा समझें आप, ये एक्स एक्सिस है, मुझे इस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है और एक पॉइंट है 2, 1, 3। इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, PQ डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पी से ये PQ डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, अभी डिस्कस किया था P-A क्रॉस B उसका मैग्नीट्यूड
और नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब पी पी वेक्टर तो यहां से बन गया, पी वेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पी वेक्टर बन गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये पी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर का मतलब है कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो ए वेक्टर होगा और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो बी वेक्टर होगा, मतलब मुझे अब इस जिस पॉइंट से जिस स्ट्रेट लाइन की हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मुझे डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन चाहिए कि इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। तो चलते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आप जानेंगे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। तो ये होगी आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर। आप सब जानते हो कि ए वेक्टर का मतलब उस लाइन का कोई एक पासिंग पॉइंट, ए वेक्टर जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन के किसी एक पासिंग पॉइंट से बनेगा। अब आप देखिए इस एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का एक जो पासिंग पॉइंट हमें हमेशा मालूम रहेगा वो ये है ओरिजिन 0 0 0 0 0 0, उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमेशा ही है। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब है कि उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन के केस के अंदर लैम्डा के साथ जो ये डायरेक्शन रेशियो है, इस डायरेक्शन रेशियो के साथ हम डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकते हैं। जरूरी कि डायरेक्शन रेशियो यूज करें, यहां हम डायरेक्शन बी वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 100 होते हैं। ये आप देख लें लास्ट लेक्चर में कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, 100। तो इससे जो वेक्टर बनेगा 100 से 100 से आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, 100 से ये वेक्टर बन गया। अब आप सब इजीली कर सकते हो, पी वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर आपका पूरा 0 वेक्टर ही हो गया, तो पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करोगे तो ये खुद पी वेक्टर ही मिलेगा, ये पी वेक्टर ही मिलेगा। और बी वेक्टर आपको मालूम ही है कि बी वेक्टर यहां से आएगा आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब आप इस फॉर्मूले में रख करके, ये जो आपका फॉर्मूला हमने बताया, इस फॉर्मूले में रख करके आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स आप कर लीजिए, सभी में किसी स्ट्रेट लाइन का किसी दिए गए पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक सब में एक जैसे क्वेश्चन है, मतलब किसी में कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सभी में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट और इमेज निकालना है, पॉइंट ऑफ इमेज निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है। तो देखिए कोई भी एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसमें इमेज निकालनी है, तो इमेज में ही हम बता देंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाएगा। आप बिल्कुल भी ना समझे कि 12 तक क्वेश्चन सारे बहुत लंबा गैप ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 5 से लेकर के 12 तक आप इजीली देख सकते हैं, सभी में हमें फुट और इमेज निकालने हैं। एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, इस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 बाई 3। और यहां एक पॉइंट है
353, यहां एक पॉइंट है 353, इस पॉइंट से मुझे इस ए बी लाइन पे कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इमेज निकालनी है। आप क्वेश्चन को पढ़ लें, इमेज निकालनी है। तो इमेज क्या होगी जरा समझते हैं सबसे पहले तो, कि पॉइंट ऑफ इमेज क्या होगा। अगर अगर किसी भी पॉइंट से दी गई लाइन के ऊपर कोई लाइन इसको 90 के एंगल पे जहां मीट कर रही है, कोई भी दो लाइन 90 के एंगल पे जिस पॉइंट पे मीट करते ना, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, पॉइंट ऑफ फुट, या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट आएगा ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और जितना हम इस पी पॉइंट से इस क्यू पॉइंट तक आए हैं, उतना ही अगर हम इसके नीचे आ जाएं, उतना ही हम इसके नीचे आ जाएं, तो जो ये पी डैश आएगा, ये जो पी डैश आएगा, ये इस पॉइंट पी का पॉइंट ऑफ इमेज कहलाएगा। और ये हमने अपनी तरफ से एक्स वन वाई वन जेड वन कंसिडर किया, मतलब मुझे ये पॉइंट ही निकालना है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जितना पॉइंट पी से यहां क्यू तक आए हैं, जितना इसके नीचे आएंगे, ये पी डैश इस पॉइंट पी का इमेज पॉइंट है। अब देखना, आप जरा अच्छे से समझना कि इसका वर्किंग क्या है। जब भी कभी फुट निकालने की बात हो, इमेज निकालने की बात हो, अगर इमेज निकालने की बात है तो पहले मुझे ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना ही होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट आने के बाद ही, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट आने के बाद ही पॉइंट ऑफ इमेज निकल पाएगी, तो पहले ये तो निकालना जरूरी है। ये निकालने के लिए आप सबसे पहले, हम दी गई इक्वेशन को लैम्डा कंसीडर कर लेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे कोई भी पॉइंट निकालना हो तो उस पॉइंट के जनरल पॉइंट्स निकालने जरूरी है। जनरल पॉइंट से ही उस लाइन का कोई ना कोई पॉइंट निकल करके आएगा। देखिए, ये ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन की इक्वेशन ये है, तो जो ये क्यू है वो इस ए बी का भी तो एक पासिंग पॉइंट है, इस ए बी लाइन का भी तो ये क्यू एक पासिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब एक्स यहां से कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा। ऐसे ही वाई माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू लैम्डा, तो वाई की वैल्यू आ गई टू लैम्डा प्लस वन। ऐसे ही जेड माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू लैम्डा, जेड की वैल्यू आ गई थ्री लैम्डा प्लस टू। तो जो ये एक्स वाई जेड आए हैं, ये मैंने पॉइंट क्यू कह दिया, क्यू आ गया लैम्डा, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा प्लस टू, क्योंकि जो पॉइंट क्यू है, जो पॉइंट क्यू है वो इस ए बी का ही एक पासिंग पॉइंट है। तो ये जनरल पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट क्यू भी बनेगा किसी कंडीशन पे। तो पॉइंट क्यू हमने निकाल दिया, जो ए बी लाइन का ही एक पासिंग पॉइंट है। अब देखिए आप बच्चे, पी क्यू और ए बी परपेंडिकुलर है, इस दी गई लाइन में जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। दी गई लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है। अगर पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है तो जो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो है, जो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो है और जो ए बी के डायरेक्शन रेशियो है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मतलब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो हमने लिखा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, क्या आएगा, क्यू में से पी को माइनस करके, क्यू में से पी माइनस कर दीजिए, क्यू है आपके पास,
क्यू हमारे पास है, देखिए लैम्डा, पी हमारे पास है ये पासिंग पॉइंट 353, तो यहां आ जाएगा लैम्डा माइनस थ्री, लैम्डा माइनस थ्री, सॉरी माइनस आएगा यहां पे, लैम्डा माइनस थ्री। ऐसे ही फिर चलिए टू लैम्डा प्लस वन, टू लैम्डा प्लस वन माइनस फाइव, तो ये हो गया टू लैम्डा माइनस फोर। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहें जब तब आपको बहुत आसान लगेगा, टू लैम्डा प्लस वन माइनस फाइव। ऐसे ही थ्री लैम्डा प्लस टू में से माइनस कर देंगे थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री लैम्डा माइनस वन, थ्री लैम्डा माइनस वन। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए पी क्यू लाइन के। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, जो ए बी लाइन दी गई है, जो ए बी लाइन दी गई है इसका डायरेक्शन रेशियो आप देख सकते हो नीचे है इक्वेशन में, वन टू थ्री। ये हमारे पास है वन टू थ्री। अब आपको मालूम है कि अगर ये पी क्यू और ए बी परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, वन को इससे मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस थ्री, टू को इससे मल्टीप्लाई फोर लैम्डा माइनस एट, थ्री को इससे मल्टीप्लाई नाइन लैम्डा माइनस थ्री, ये जीरो के इक्वल होगा। तो दिस 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 ये फोर्टीन लैम्डा हो गया, दिस 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 ये माइनस फोर्टीन हो गया, इज इक्वल टू जीरो। यहां से सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू वन आ गई, और लैम्डा की वैल्यू हम इस पॉइंट जनरल पॉइंट क्यू में रख देंगे। तो यहां से जो क्यू बनेगा, जो क्यू पॉइंट बनेगा वो बनेगा लैम्डा की वैल्यू वन, यहां पे रखिए वन 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 रखेंगे तो थ्री, वन रखेंगे तो फाइव, वन थ्री फाइव। तो जो पॉइंट क्यू आया है वन थ्री फाइव, वो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ये पॉइंट हमें मिल गया वन थ्री फाइव। आई होप आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना समझ आया होगा कि कैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता। एक बार आप रिवाइंड करके इसको जरूर समझ लें। आपको ये आपको बस जो डायग्राम बनाया है ये डायग्राम समझना है। सबसे पहले ए बी लाइन बनाएंगे, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट से पी क्यू को लेकर के और ए बी को लेकर के, ए बी पे जो पॉइंट क्यू है वो ए बी का जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट आ गया। अब पी को लेकर के क्यू को लेकर के हम इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर हम ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, दोनों के डॉट का सम जीरो के इक्वल, राइट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन हमें इमेज निकालनी है। अब आप देखिए इमेज ये पी डैश पॉइंट है जिसको मैंने एक्स वन वाई वन जेड वन अपनी तरफ से कंसीडर किया था। अब आप जरा समझें कि जो क्यू है वो पी से पी डैश तक का मिड पॉइंट हो गया, ये पी से पी डैश तक का मिड पॉइंट हो गया क्यू। तो आप मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दें, एक्स वन प्लस थ्री अपॉन टू, एक्स वन प्लस थ्री अपॉन टू ये इक्वल है वन के, क्योंकि क्यू इनका मिड पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट निकाल दें आप। वाई वन प्लस फाइव अपॉन टू, वाई वन प्लस फाइव अपॉन टू ये इक्वल है थ्री के, थ्री के इक्वल है। ऐसे ही जब हम सोल्व करेंगे मिड पॉइंट, जेड वन प्लस थ्री अपॉन टू, जेड वन प्लस थ्री अपॉन टू ये इक्वल है फाइव के इक्वल है ये। तो यहां से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस थ्री माइनस वन, यहां से वाई वन की वैल्यू आ जाएगी सिक्स माइनस फाइव वन, यहां से जेड वन की वैल्यू आ जाएगी टेन माइनस थ्री सेवन। तो पॉइंट ऑफ इमेज हमारे पास आ गया, पॉइंट ऑफ इमेज हमारे पास आ गया जिसको मैंने पी डैश नाम दिया था माइनस वन वन सेवन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज द गिवन क्वेश्चन। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार
रिवाइंड कर लें, नोटबुक में नोट करें बड़े अच्छे से, और जो भी मैंने ये बार बार कहीं कहीं लिख रखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रखा है, आप पूरा जानते हो कि आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो आई थिंक आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो, पर चलो एक और क्वेश्चन मेरा कराने का मन है। इसमें कोई एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो, लाइक क्वेश्चन नंबर 11 ही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, और इस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बनाई गई है, 6i प्लस 7j प्लस 7k प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। आप समझ लें जो इमेज और फुट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक, इनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट कर लें। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुट और इमेज वाला क्वेश्चन एक जरूर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इनको जरूर नोट कर लें। आप इंपॉर्टेंट में 5 से 12 तक एक एक क्वेश्चन आप करके देखें, जो भी डाउट है आप मुझसे लाइव क्लास में जरूर पूछें। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जिसमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन ये हमें दी गई है, और एक पॉइंट है पी, पी एक पॉइंट है 1 2 3 1 2 3। इस पी पॉइंट से ए बी लाइन पे इमेज निकालनी है, तो अभी हमने डिस्कस किया था इमेज क्या होगी, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन इस पे आ रही है, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फुटो परपेंडिकुलर, और जितना यहां से आए उतना इसके नीचे चले आए, तो ये जो पी डैश आएगा जिसको मैंने x1 y1 z1 कह दिया, ये पी डैश इस पी पॉइंट की इमेज कहलाएगी। तो पहले अपने को क्यू निकालना है, क्यू क्या होगा, इस ए बी का ही एक पासिंग पॉइंट, तो ए बी के पासिंग पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के जनरल पॉइंट से पता लग जाएगा। बच्चे हम सबको मालूम है कि आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, इज इक्वल टू, अब देखो यहां से और यहां से आई कैप कॉमन, तो 6 प्लस 3 लैम्डा i कैप, प्लस इससे और इससे जे कैप कॉमन, तो 7 प्लस 2 लैम्डा j कैप, यहां से और यहां से के कैप कॉमन, तो ये बन गया 7 माइनस 2 लैम्डा k कैप। कंपेयर कीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई 6 प्लस 3 लैम्डा, वाई की वैल्यू आ गई 7 प्लस 2 लैम्डा, और जेड की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 लैम्डा। तो हमें पॉइंट क्यू मिल गया, क्यू पॉइंट आ गया 6 प्लस 3 लैम्डा 7 प्लस 2 लैम्डा एंड 7 माइनस 2 लैम्डा, ये पॉइंट क्यू है, ये हमें पॉइंट क्यू मिल गया जनरली। अब इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो लें और इस ए बी के डायरेक्शन रेशियो लें, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 जीरो होगा। तो क्या करें हम, अब हम यहां पर चलेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, क्यू में से पी को माइनस करके, तो 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, यह आ जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा 5 प्लस 3 लैम्डा, 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा, 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा, 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो बनेगा 4 माइनस 2 लैम्डा। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए पी क्यू लाइन के, ऐसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो लाइन दी गई है उसके डायरेक्शन रेशियो आप देख सकते हो। लैम्डा के साथ जो वेक्टर दिया गया है ये एम वेक्टर है, या मैं कहूं बी वेक्टर है, इसी में ही डायरेक्शन रेशियो है 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2, क्योंकि ए बी पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ए बी और पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा इनका डॉट प्रोडक्ट 15 प्लस 9 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस 8 प्लस
प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये सॉरी ये 17 लैम्डा और ये हो गया प्लस 17 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू यहां से माइनस 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 पॉइंट क्यू में रख दीजिए, ये पॉइंट क्यू रहा, यहां लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो ये आएगा 3, यहां लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 रखिए 5, यहां लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 रखिए तो ये आ जाएगा 9। सो जो लैम्डा आया 359, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोई भी दो लाइन जहां 90 के एंगल पे जहां मीट करेगी, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब पॉइंट ऑफ इमेज निकालने के लिए आप देखिए जो क्यू है, फिर इसी पे चलते हैं, जो क्यू है वो पी से पी डैश का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दीजिए, x1 प्लस 1 अपॉन 2 वो इक्वल है इस मिड पॉइंट 3 के, ऐसे ही y1 और यहां देखिए पॉइंट कितना था 2, y1 प्लस 2 अपॉन 2 ये इक्वल है 5 और z1 प्लस 3 था वहां पर पॉइंट यस अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1 5, यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 8 और यहां से z1 की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 3 15। सो द पॉइंट ऑफ इमेज इज 5 8 15, ये पॉइंट ऑफ इमेज आ गया। आप बच्चे अब पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। तीन बातें इसमें मेनली हमने पढ़ी थी, एक तो किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालने पे, एक हमने सीखा था किसी स्ट्रेट लाइन का किसी दिए गए पॉइंट से ये पी क्यू डिस्टेंस निकालने के बारे में, जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो आप एक बार देख लें, और एक हमने फुट और इमेज पे रिलेट क्वेश्चंस किए। एक लास्ट क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको रोक दिया था, वो क्वेश्चन अब आप इस तरीके से कर सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन के आप इक्वेशन निकाल लें टू पॉइंट फॉर्म से, वहां पे क्या दिया गया था, दो पॉइंट दिए गए थे पॉइंट ए पॉइंट बी, और किसी एक पॉइंट से हमें ये फुट निकालना था, पॉइंट क्यू निकालना था। तो आप क्या करेंगे, ए और बी लेकर के पहले इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालेंगे, टू पॉइंट फॉर्म से, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर ये बन गया, लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये आ गया। बस अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आते ही इस पॉइंट से आप ये फुट निकाल सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो 13.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में है, और उससे एक 6 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, खुश रहो। आज मन कर रहा है कुछ ऐसा ये खुश होने का भी, स्माइली खैर मुझे आती नहीं है। चलिए एक नया एक्सपीरियंस था इस पे बनाने का, देखते हैं कितना क्या अफेक्टिव रहता है कैसा नहीं रहता है। चलिए आप अच्छे से काम करें और जो भी आपके डाउट हो आप मुझसे जरूर जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।